हेलो फ्रेंड्स, आज हम घर के आटे और मलाई से बनाने जा रहे हैं मालपुए। तो चलिए शुरू करते हैं मालपुए की रेसिपी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। इसके लिए हमें 2 कटोरी आटा, 1 कटोरी घर की मलाई, 1 कटोरी शक्कर, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 कप दूध चाहिए। अब हम आटे को और मलाई को एक साथ इस तरह से मिलाएंगे। जब हमें आटा टाइट लगने लगेगा तब हम इसमें धीरे धीरे करके दूध मिलाएंगे। एक बात हमें याद रखनी है कि सारा दूध हमें एक साथ नहीं मिलाना है, धीरे धीरे कर कर ही इसमें दूध मिलाते जाना है। इस बैटर में हम थोड़ा सा दूध या पानी और मिलाएंगे। और फिर इसे 4-5 घंटे के लिए एक तरफ ढककर रख देंगे। अब हम गैस पर एक बर्तन रखेंगे और इसमें 1/2 कटोरी पानी और 1 कटोरी चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पर गुड़िया शक्कर ली है, आप चाहें तो दानेदार चीनी भी ले सकते हैं। अब इसमें 1 उबाल आने तक हमें रुकना है, फिर 2 चम्मच दूध हम इसमें डालेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे इसमें उबाल आता जाएगा हमारी शक्कर साफ होती जाएगी और इसकी गंदगी किनारों में जमती जाएगी, जिसे हमें 1 चम्मच से इस तरह से निकालना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर से करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। अब हम इसमें बड़ी इलायची खोलकर डालेंगे। जब 1 तार की चाशनी बनने लगेगी तब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। 4-5 घंटे बाद हमारा बैटर कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। इसे हमें जोर जोर से मिलाना है इस तरह से, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब हम एक पैन में घी या तेल मीडियम आंच पे गरम कर लेंगे और अपने बैटर को इस तरह से धीरे धीरे करके पैन में डालते जाएं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। जब एक तरफ से हमारे मालपुए गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे तब हम इन्हें एक एक करके पलट देंगे, कुछ इस तरह से। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल भी तेज नहीं रखना है, नहीं तो हमारे मालपुए जल भी सकते हैं। तो जब हमारे मालपुओं का कलर कुछ इस तरह का होने लगेगा तब हमें एक एक करके उन्हें निकाल लेना है। दूसरी तरफ हमने जो चाशनी बनाई थी वो अब तक ठंडी हो चुकी होगी। हमें हमारे ये मालपुए उस चाशनी में डालने, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी।